दोस्तों, मेरी पिछली वीडियोस पर ईपीएफ अकाउंट में नॉमिनेशन डिटेल्स को अपडेट करने से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज पूछी गई हैं। सबसे ज्यादा जो पूछी जाने वाली क्वेरी थी वो ई साइन को लेकर थी। जब ईपीएफ मेंबर अपने ईपीएफ अकाउंट में नॉमिनेशन डिटेल्स को अपडेट करने जाता है और अपने नॉमिनी की डिटेल्स को सेव करने के बाद जब ई साइन की प्रोसेस को करने जाता है तो उन्हें एरर आ जाती है और ई साइन की प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से ईपीएफ अकाउंट में नॉमिनेशन भी अपडेट नहीं हो पाता है। ई साइन करते समय ये एरर क्यों आता है और किन लोगों को आता है और इसका 100% सॉल्यूशन क्या है, आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अपने ईपीएफ अकाउंट में नॉमिनेशन डिटेल्स को अपडेट करने के लिए सबसे पहले आप अपनी नॉमिनी की डिटेल को सेव करते हैं। उसके बाद नॉमिनेशन को कंप्लीट करने के लिए ई साइन करते हैं। ई साइन करने के लिए यहाँ पर ई साइन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद इनके डिस्क्लेमर को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर को फिलअप करते हैं और गेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है। उस ओटीपी को एंटर करते हैं और जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं आपको कुछ इस तरह से एरर आ जाता है, सिग्नेटरी डिटेल्स मिसमैच डेटा आधार नेम ईयर ऑफ बर्थ जेंडर। ये एरर क्यों आता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, चलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। दोस्तों, ईपीएफ मेंबर नॉमिनेशन प्रोसेस को पूरा करते समय ई साइन की प्रोसेस पे ये गलती अक्सर करते हैं, इसकी वजह से ये एरर आ जाता है कि उनके सिग्नेटरी डिटेल्स मिसमैच हो जाती हैं, जैसे कि उनका आधार नंबर, नेम, ईयर ऑफ बर्थ, जेंडर मिसमैच आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि ई साइन की प्रोसेस को करते समय जब आपसे आधार नंबर मांगा जाता है तो वहाँ पर ईपीएफ मेंबर गलती ये करते हैं कि वहाँ पर ईपीएफ मेंबर अपना आधार नंबर ना एंटर कर नॉमिनी का आधार नंबर एंटर कर देते हैं, जबकि वहाँ पर ईपीएफ मेंबर का आधार नंबर एंटर करना होता है और ईपीएफ मेंबर के आधार नंबर की सहायता से ई साइन की प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। यही कारण है कि उन लोगों को सिग्नेटरी डिटेल्स मिसमैच का एरर आता है और वो लोग अपने ईपीएफ अकाउंट में नॉमिनेशन डिटेल्स को अपडेट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ईपीएफ से जुड़ी ऐसी इंपोर्टेंट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।